संवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कहीं ना कहीं देश के पूंजीपतियों से एकतरफा चंदा ले रही थी या धन उगाही कर रही थी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और स्पष्ट रूप से इसको टर्न डाउन किया है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि जब से उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लिया है, किस किस से पैसा लिया, कहां कहां से पैसा लिया, और जो एक तरफा चुनाव में जो चंदा आ रहा है वो कहां है और उसका उपयोग क्या है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुंह पर करारे तमाचे जैसा है। संवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कहीं ना कहीं देश के पूंजीपतियों से एकतरफा चंदा ले रही थी या धन उगाही कर रही थी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और स्पष्ट रूप से इसको टर्न डाउन किया है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि जब से उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लिया है, किस किस से पैसा लिया, कहां कहां से पैसा लिया, और जो एकतरफा चुनाव में जो चंदा आ रहा है वो कहां है और उसका उपयोग क्या है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुंह पर करारे तमाचे जैसा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।